नमस्कार, वीडियो न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं गुलशन कुमार। पिछले कुछ दिनों में बेगूसराय के विभिन्न क्षेत्रों से सुधा के प्रोडक्ट के एक्सपायरी डेट को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। बेगूसराय के एक सामाजिक संगठन ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद हमने भी इस खबर को चलाया, उसके बाद यह मामला और भी तुल पकड़ लिया। आखिरकार बरौनी डेयरी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और हमने बरौनी डेयरी के डिस्ट्रीब्यूटर शंकर पोद्दार से बात की। डिस्ट्रीब्यूटर शंकर पोद्दार ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए हमें बताया कि हम एक्सपायरी माल नहीं बेचते हैं और अगर एक्सपायरी माल किसी रिटेलर के पास होता है तो हम उसको मना करते हैं कि ये प्रोडक्ट नहीं मार्केट में बेचे। देखिए क्या कर रहे हैं बरौनी डायरी के ग्रामीण क्षेत्र के डिस्ट्रीब्यूटर शंकर पोद्दार। एक्सपायरी डेट का जो मामला आ रहा है लगातार एक सामाजिक संगठन के द्वारा, क्या है मामला? ये कुछ तो मामला है ही नहीं, ये जो मामला है ना, नहीं अपने मियां मुंह मियां मिठू बनना। हम लोगों का एक्सपायरी माल बाजार में कभी बेचते ही नहीं है और जो एक्सपायर हो जाता है उसको रिटेलर को गाइड देते हैं कि भाई इसको मत बेचो। और हम बरौनी डेयरी के ग्रामीण क्षेत्र के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पूरे बेगूसराय जिला और खगड़िया जिला का जितना ग्रामीण क्षेत्र है वो मेरे अंदर है और सभी जगहों पर मेरा सही माल जाता है। और रिटेलर का स्तर पर कभी हो सकता है कि उसको नहीं बिका तो बेचना चाहता होगा, तो इसमें कंज्यूमर को भी यह देखना चाहिए कि भाई यूज़ बाय डेट जो है हम लोग एक समय सीमा दिए रहते हैं, यूज़ बाय डेट बिफोर 7 डेज या यूज़ बाय डेट दिए रहते हैं, तो उसके बाहर है तो उपभोक्ता को ऐसा सामान नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर आ रहा है बात। ओह अच्छा, एक आ रहा है कि हमको तो नहीं, मैंने व्यवहारिक और व्यक्तिगत जानकारी है, हम गुलशन बाबू बताएंगे कि आपका जो है ना न्यूज़ चैनल उसमें देखे हैं। एक हैं कोई शैलेंद्र कुमार और कोई फाउंडेशन के हैं, उन्हीं का ये है, उन्हीं का चल है। मैं तो उनसे बात किया था, तो उन बात किया था कि भाई ये जो समाचार है क्या कठिनाई है, उनका जो बात हुआ उनका कॉल डिटेल मेरे पास है, तो उन्होंने बताया था कि मैं इसको जब दिए तो हमारे बात को महत्व नहीं दिया गया, इसलिए इस बात को अभी रोकेंगे नहीं, इसको हम मैंने रोड सड़क जाम करेंगे, इस तरह का भी बात करेंगे। हमको ईगो का बात है, जो इस तरह का बात किए थे इससे लगता है कि उनका व्यक्तिगत कोई द्वेषता होगा। और बरौनी डेयरी तो बिहार का गौरव है, आप सभी लोग जानते हैं कि इससे कितना लाखों परिवार जी रहा है। और मैं इस संस्था से दूध 85 से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए इस संस्था के बारे में कोई जब नकारात्मक बोलता है तो मुझको व्यक्तिगत बड़ी दुख होता है। और जहाँ तक बात है ये एक्सपायरी डेट का, जब उन्होंने दिखाया कि एक्सपायरी डेट का माल बेच रहे हैं, वो दिखा रहे हैं 17 तारीख को और उस दही के डिब्बे पे लिखा हुआ है यूज बाय डेट 19 तारीख। ये बात हमको पचता नहीं है कि 17 तारीख को दिखा रहे हैं और 19 तारीख का एक्सपायरी डेट है। ये तो हुआ घोड़ा के दो सींग दिखाना, जैसे गाय को कहे कि दो सींग है तो इसको हम मान भी सकते हैं, ये बिना सिर पैर के बात है। वो उनको व्यक्तिगत अपना हाईलाइट होना है इसलिए इस तरह की बात करते हैं। और विभिन्न जगहों से आता है कि ये पेड़ा ख़राब है। अभी इधर आया एक जो बछवाड़ा का आया सराज या कल, तो उसमें रिटेलर उनको बताया है कि ये 20 दिन पहले हम लिए थे, मेरी माँ का कैंसर हो गया था इसलिए दुकान बंद था। तो उसमें बोलिए डिस्ट्रीब्यूटर का या रिटेलर का क्या मेरा संस्था का दोष है? वो दोष यदि है तो पहला दोष रिटेलर का है और दूसरा दोष है उपभोक्ता का। कोई उपभोक्ता कंप्लेन किया है आपको क्या? आपको कोई उपभोक्ता कंप्लेन नहीं किया है। आप जो है वो जो फाउंडेशन के जो कोई हैं वो कई तरह के, उनके बारे में मुझको कुछ नहीं कहना है, हम अपने संस्था के बारे में बोलता है। मेरा संस्था स्वच्छ है और गंगा जल के तरह पवित्र है। आप आइए तो जिस समय हमारे डेयरी को विजिट कर सकते हैं। फिर रिटेलर के यहाँ जो अगर एक्सपायरी डेट का सामान है, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि एक चीज़ हाईलाइट करिए कि सुधा का जो गुणवत्ता का जो है ख्याल रखते हुए अगर कोई रिटेलर एक्सपायरी डेट का सामान बेचता है तो उसको उपभोक्ता बंधु नहीं खरीदे। अगर गलत, मेरा नाम है शंकर पोद्दार। एक तरफ जहां सामाजिक संगठन सुधा डेयरी पर आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुधा डेयरी ने आरोप को खारिज किया है। सुधा डेयरी अपना पक्ष रख रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर दोष किसका है, आखिर दोष सुधा डेयरी का है
कि वो एक्सपायरी प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर बाज़ार में उतारते हैं, या फिर दोष उस सामाजिक संगठन का है जो सुधा डेयरी पर आरोप लगा रहे हैं। आगे क्या होगा ये जांच का विषय है। आप तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीटी न्यूज़ बिहार।